तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी जो फेज चल रहा है आपके लिए भी थोड़ा सा टफ फेज है। क्यों टफ फेज होता है? क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि यार मिड टर्म एग्जाम्स चल रहा है, चलो मिड टर्म एग्जाम्स तो हम कैसे भी करके निपटा देंगे। और आपने तो बताया था, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि मिड टर्म एग्जाम का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन बोर्ड एग्जाम। हमारा मेन टारगेट बोर्ड होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले कुछ वीडियोस में बना के दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने समझ भी लिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे एक कंफर्मेशन चाहता हूं कि क्या आपके मिड टर्म एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं? सेमेस्टर एग्जाम जो है आपका, दिवाली के पहले वाला जो एग्जाम है, क्या आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर एग्जाम्स हो गए हैं तो लिखो यस सर एग्जाम्स ओवर, नहीं हुए हैं चल रहे हैं तो आप लिख सकते हो एग्जाम्स गोइंग ऑन। तो आप जरूर से टाइप करके हमें बता देना, ये सबसे पहले काम। वीडियो को पॉज करो और कर दो, ठीक है? चलो 2 सेकंड रुकता हूं, कर दो फटाफट, कर दिया। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपसे एक एज ए बोलना चाहूंगा यहां पे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत सारी अपडेट्स आप मिस करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और हमारा ऑफिशियल जेआर ट्यूटोरियल का पेज को फॉलो कर लो। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो हम इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगाते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं क्या नहीं करने वाला हूं। तो ये दोनों हमारे जो पेज है, एक तो मेरा पर्सनल आईडी है, दूसरा हमारा ऑफिशियल जेआर ट्यूटोरियल का पेज है, तो आप इनको फॉलो कर लो। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, कुछ मुझे कमेंट आता है कि सर मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, तो उनके लिए है टेलीग्राम। और वैसे तो टेलीग्राम आप सभी लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए, एक फ्री जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है जो पेड बच्चों के लिए हमने रखा है, जो ऐप से जुड़े हुए हमारे उनके लिए है, लेकिन जो पेड नहीं है, जो यूट्यूब पे आके पढ़ते हैं फ्री में, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें आप जो भी चाहे आप देख सकते हो, लिंक शेयर करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल देते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ये सबसे पहले काम कर लेना, कर लिया। चलिए अब आते हैं रियल मुद्दे के ऊपर, ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं इस वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं फटाफट चीजें बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपका एग्जाम्स चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, तो आपके एग्जाम्स जा कैसे रहे? हाउ योर मिड टर्म एग्जाम इज गोइंग, कैसा चल रहा है आपका मिड टर्म एग्जाम? क्या जो पेपर क्वेश्चन पेपर आपको जो मिले थे उसको देख के आपको डर लगा? क्या आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैं तो यार ये मिड टर्म एग्जाम में ही मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन पेपर देख के डर लग रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम में मेरा क्या हाल होगा? अगर ये फीलिंग आ रही है तो घबराने की कुछ बात नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। साथ ही में अगर मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो गए तो आपने तो लिखा ये यस सर मिड टर्म एग्जाम सर ओवर, तो आपके मिड टर्म एग्जाम गए कैसे, कैसा फील हुआ, ये आपका फीलिंग मुझे दूसरा कमेंट करके बता देना। पहला कमेंट क्या करोगे, एग्जाम्स हुए चल रहे हैं क्या हुए वो मुझे बताना। दूसरा कमेंट आपका फिर से आना चाहिए जो कि है कि सर मिड टर्म एग्जाम गया कैसे, ठीक है, ये जरूर से कमेंट करना। देखो मैं कमेंट के माध्यम से ही प्लानिंग बनाता हूं, मैं बच्चों के दिल से समझता हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके हिसाब से मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूं और वीडियोस के फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर इनपुट कि आप मुझे कमेंट से बताओ तो तभी तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो हम लोग कॉल पे तो बात करते नहीं है यार, ऐसे ही बात कर सकते ना, हमारा इंटरेक्शन तो ऐसे ही होता है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, कमेंट कर दोगे। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद ये सोच रहे थे कि मैं मिड टर्म एग्जाम मेरा अच्छा नहीं जा रहा है या फिर नहीं गया, और ये पेपर देख के ही मेरी, मतलब बोलते हैं ना वो वर्ड नहीं यूज कर सकता, लेकिन हालत खराब हो गई, ठीक है, तो वो पेपर देख के ही हालत खराब हो गई। तो मैं ये सोचता हूं कि बच्चे आप घबरा क्यों रहे हो? अभी आप देखोगे तो अक्टूबर एंड हो रहा है और कुछ ही टाइम में नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, और फरवरी का मैं 10 दिन कंसिडर करता हूँ। वैसे एग्जाम इस बार जल्दी शुरू हो रहा है, 21 तारीख से ही शुरू हो रहा है, 21 फरवरी से शुरू होता है, लेकिन फरवरी को हम फिर भी कंसिडर नहीं करेंगे, मान लो फिर भी 3 महीना है और 10 दिन फरवरी का लेता हूँ, तो 3 महीने में 90 दिन होते हैं और फरवरी का 10 दिन लिए अगर ले रहा हूँ तो कुल मिला के 100 दिन यानी 100 डेज अभी भी बचे हुए बच्चा। और जो बच्चा ऐसा सोचता है कि मिड टर्म एग्जाम खराब हो गया, अरे पेपर देख के ही तो मेरी हालत खराब हो गई, मिड टर्म एग्जाम में मेरी ऐसी हालत है तो मेरा बोर्ड का पेपर देख के क्या हो जाएगा जिसमें पूरा पूरा सिलेबस आएगा, तो ये फीलिंग जो है ना मुझे पता है आएगी, मेरे अंदर भी आई थी, लेकिन मैं घबराया नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आज भी 100 दिन प्रेजेंट है और आपके पास भी 100 दिन है, और उस 100 दिन में आप टॉपर भी बन सकते हो, आप 90 to 95% भी स्कोर कर सकते हो। एक छोटा सा स्टोरी जो कि पिछले साल के बच्चों को भी बताया था, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं 10वीं में पढ़ता था बच्चा, मैं एक बहुत ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा है, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, लेकिन जब मैं 10वीं में पढ़ता था मेरा एक दोस्त था, ठीक है, और वो दोस्त ऐसा था जो इतना मस्तीखोर था, इतना मस्तीखोर था, हमको लगता था कि सब पासिंग मासिंग मार्क्स ला देगा। और एक और मेरा दोस्त था जो दिन रात एक करके पढ़ता था, उसके डेस्क के नीचे हमेशा हमेशा बुक्स होते थे जो डाइजेस्ट होते और बाकी जो चीजें होती है ना, वो हमेशा बैठ के जब भी फ्री टाइम मिलेगा स्कूल में ही बैठ के पढ़ता रहता था, ट्यूशन अलग जाता था, घर में बैठ के अलग पढ़ता था, रात दिन एक करके पढ़ता था, सबको ये लगता था कि ये जो पढ़ने वाला बच्चा ये टॉपर बनेगा।
रिजल्ट का जब दिन आया, 10वीं हो गया, 10वीं के बाद जब रिजल्ट का दिन आया, तो जो मेरा दोस्त था ना, जो मेरा खास दोस्त था, जो इतना मस्ती खोर था कि हम सोचते भी नहीं थे कि यार ये पास हो जाए बड़ी बात है, वो बच्चा टॉपर बन के निकला पूरे स्कूल में। मैं बात नहीं कर रहा हूँ डिवीजन की, मैं बात कर रहा हूँ पूरे स्कूल की, जिसमें 60 60 60 60 60 कुल मिला के 5 डिवीजन के हिसाब से 300 बच्चे होंगे, और 300 बच्चे में से वो टॉपर बना। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू इतना कब पढ़ लिया? उसके 91% आए थे, मेरे आए थे ओनली 82%। मैं भी टॉपर में आता था, टॉप 10 में मैं आया था, लेकिन मैं बात वो नहीं कर रहा हूं। मैं उससे पूछा जाके, भाई तेरी क्या प्लानिंग थी, तूने क्या कैसे पढ़ाई किया? तो उसने क्या बोला पता है क्या बोलता है? जो भी हमने मस्ती किया ठीक है, दिवाली तक मस्ती कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं सीरियस हो गया, और वो जो 100 दिन था या फिर 90 दिन था, जो भी 70 दिन बचा था, उसमें वो इतना हार्डवर्क उसने किया, इतना पढ़ाई किया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो बच्चा टॉपर बन के निकला। तो वो इंसान जो इतना मस्ती खोर था, पढ़ाई में इतना फोकस नहीं करता था, वो भी बचे हुए 90 100 दिन के अंदर पढ़ के टॉपर बन सकता है, वो भी स्कूल का। तो आप क्यों नहीं बन सकते बच्चा, मुझे बताओ, आप क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे को एक और चीज है जो बच्चे डाउट्स के फॉर्म में पूछते हैं मुझे। क्या पूछते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर आप न्यू वीडियोस अभी फिलहाल क्यों नहीं बना रहे हो? 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में आप न्यू वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो चैनल स्टार्ट किया था लगभग 2020 में, यानी लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था, ठीक है? मतलब 2020 में हमारी चैनल जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, 2020 में। और तब से लेके मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इतने वीडियोस बना दिए हैं कि अब हमें वो दोबारा वीडियो सेम सिलेबस का बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कितने बार पढ़ा दूं यार आपके लिए, हमने इतने बार पढ़ा दिया, इतने सारे चीज अवेलेबल करके दिया है कि नया चीज फिलहाल में हम क्या ही दें? वही चीज वापस पढ़ा दे क्या? तो आपको तो वही लेक्चर मिलेंगे, तो हम नया चीज कब देंगे? जब आपकी नीड होगी, जब आपको इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होगी लास्ट लास्ट में, और आपको उड़ान बैच की जरूरत होगी, तब हम देंगे ना, बराबर है कि नहीं? तो वो आपको समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे, ज्यादा कॉमेंट नहीं आए थे मुझे, क्योंकि हमारे सभी बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं, समझते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसे नए नए बच्चे जब जुड़ते हैं चैनल पे, तो उनको पता नहीं होता, तो मैं बस उनके लिए बता रहा हूं। बाकी तो आप लोग अपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, यानी माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करके बताना, मुंह से बता के बताना कि यार देखो सब कुछ प्रेजेंट है। तो मैं क्विक आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे क्या क्या आपको मिल जाएगा। कोई एक नया स्टूडेंट है उनको भी पता चल जाएगा, और जो पुराने स्टूडेंट है जिनको नहीं पता था उन सभी को पता चल जाएगा कि इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। और सिर्फ यहां से भी अगर आप पढ़ते हो तो भी कितना अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसे लास्ट ईयर वाले बच्चे ने स्कोर किया था। अब देखो यहां